नमस्कार, मैं हूँ नेता। नेता के बारे में क्या बोलना चाहिए वो तो आपको पता ही है कि जो देता है न लेता है, न देता है न लेता है, लेता है मगर देता नहीं है, उसी का नाम देश में नेता है। अब अपने एरिया में मैं चुन के आया हूँ, पिछले 15-20 साल से एंजॉय कर रहा हूँ। मैं जब भी आता इलेक्शन, लोग करता मेरा सिलेक्शन, जात धर्म के नाम पे और लोगों को वैसा पकड़ के मैंने एक रखा है। देना कुछ नहीं है, बस बोल वचन देते रहो और उनको अपने पास में रखो। हाँ, तो क्या है कि दौरा चरित्र मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं कहीं का भी दौरा कैंसिल कर देता हूँ। नेताजी की जय हो, नेताजी की जय हो, नेताजी की जय हो। मैं बता दूं, आज बाय रोड आई लाइक बाय रोड। अच्छा, मैं रोड पे जा रहा था, मैंने रोड को बाय कर दिया। सर वही तो कह रहा हूँ कि सर सब फरियादी बाहर खड़े हैं। नहीं नहीं, वो जनता है, मैं जानता हूँ। वो भीड़ है, मैं लीड हूँ। क्या बात, वो क्राउड है, मैं प्राउड हूँ। क्या बात, क्या बात। सिर्फ सुनना, जनता के समस्या का निवारण तुमने कर दिया तो फिर तुमने अपने खुद के लिए गड्ढा खोद दिया। बहुत कुछ सीखने मिल रहा है गुरुजी आपसे, बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। चमचागिरी बंद करो। बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें पता है मैं आज से क्यों खाना खाता हूँ। आज से इसलिए खाना खाता हूँ कि मेरे गुरु ने मुझे सिखाया कि चमचा जो है वो नेता की वजह से खाता है। नेता चमचा की वजह से नहीं खाता है। अरे सर, मैं ऐसा वैसा चमचा नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा कड़छा हूँ आपका। आप मेरा गुरु कौन है? मैं खुद गुरु। जी जी, आप खुद गुरु। मैं खुद गुरु हूँ। तुम सब लोग मेरे साथ में आगे पूछो। जी जी, बुलाओ तो फरियादी को। बुलाओ पहले, पहला फरियादी हाजिर हो। देखिए नेताजी, नेताजी नमस्ते। क्या समस्या है भाई? नेताजी बस मैं एक आपसे कहना चाहता हूँ, एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, बस लॉकडाउन मत कराइए प्लीज। देखो भाई, अभी ये लहरें लहरें आ रही है, ठीक है, ये लहर वो लहर, शीत लहर, इसलिए लहर इसलिए लहर, हमारी भी तो लहर आई है, लेकिन सबसे बड़ी जानलेवा लहर जो है वो ये है जनता के लिए। नहीं लेकिन जनता के लिए जानलेवा लहर है कोरोना 1, कोरोना 2 और ओमिक्रॉन। ये बहुत बड़ी जानलेवा है जनता के लिए, नेता के लिए नहीं। लेकिन नेता के सामने इस कोरोना की और ये लहर की हिम्मत नहीं आने की, ठीक है। नेता जी एक्टर है, मैं एक्टर हूँ, बहुत परेशान है, बहुत परेशान हूँ अपनी जिंदगी में। हाँ, ये तो शक्ल से ट्रैक्टर लगता है। मोर्चा तो नहीं है। मैं तेरे में मजाक कर रहा हूँ। यहाँ एक बात बताओ, अभिनेता हूँ और मैं अभी नेता हूँ। हाँ, आप नेता। हाँ, एक बात बताओ, क्या क्या एक्टिंग करते हो? मैं नाना पाटेकर की आवाज निकालता हूँ, जॉनी लीवर जी की आवाज निकालता हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आवाज निकालता हूँ और सुनील पाल जी की भी आवाज निकालता हूँ। मतलब बहरूपी आओ। तुम कितने भी बड़े अदाकार बन जाओ, कितने बड़े एक्टर बन जाओ, तुम्हारे लिए मैं थिएटर नहीं खोल सकता क्योंकि तुम मुझसे बड़े एक्टर नहीं हो सकते। वो कैसे? पूरी जनता जो है मेरे एरिया की मेरी 10 साल से एक्टिंग देख रही है और बोर नहीं होगी। जब तक वो बोर नहीं होगी मेरी एक्टिंग देखते रहेंगे। मैं ऐसा नेचुरल एक्टिंग कर रहा हूँ जनता के सामने, उनके उनका हमदर्द बनने का, उनका अपना बनने का, उनके समस्या का समाधान करने का। इतनी जबरदस्त एक्टिंग करता हूँ कि वो लोग मेरे सामने पूरी तरह से एक्टिव है। तो अगर मुझसे बड़ा अभिनेता बनोगे तब तुम्हें मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच सकता हूँ, तुम्हारे थिएटर खोल सकता हूँ। फिलहाल वेटर वाली शक्ल लेके दफा हो जाओ। ये है तो एक और है बेचारे हास्य कवि है, वो आए हैं तो फरियादी को भेजू। फरियादी को देखो, मन सुनना सबकी है, करना कुछ नहीं। ये याद रखना, राजनीति में मिनिस्टर होना चाहिए, आपका स्तर जो है मिनी होना चाहिए। मतलब सुनो सबकी, करो अपने मन की। मिनिस्टर मिनिस्टर मन की बात। देखिए क्या है कि मंत्री का मतलब होता है मंत्री, तीन मन होता है। तो लागू कि हम एक मन कहता है करो, दूसरा मन कहता है मत करो और तीसरा मन कहता है बाढ़ में जाओ। हाँ भैया, नेताजी 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 नेताजी, आप तो छा गए और इस लॉकडाउन की वजह से हमारे 25-30 प्रोग्राम खा गए। और कुछ गिला शिकवा हो तो उसे भुलाइए प्लीज, खुदा के लिए इस लॉकडाउन को खुलवाइए। देखो कोरोना की वजह से नहीं हो सकते तुम्हारे कार्यक्रम, तुम्हारे जलील जोक को सुनने और कविता को सुनने कोई आ गया तो उसका आज ही होगा क्रियाक्रम। देखो किस टाइप की कविता करते भैया तुम? जी मैं तो हास्य कवि हूँ।
अपने यहाँ से कभी बन गए? हाँ जी। किसी ने बनाया तुम? नहीं जी, हम खुद। सुनो मेरी बात जी, अब हर हाल में और हर हॉल में सिर्फ हमारी कविता पढ़ी जाएगी, हमारी बातों को रखा जाएगा, क्योंकि तुम सिर्फ हास्य रस की कविता पढ़ते हो। हमारे पास बहुत सारे रस है। कौन कौन से रस है बारा बताइए। श्रृंगार रस। हाँ। वीर रस। हाँ। देशभक्ति रस। हाँ। तुम्हारे लिए तरस। हाँ। वायरस। हाँ। सोम रस। नहीं। ये सब लेते रहो और मध्य वेश बरस। ठीक है, लेकिन हमारी फरियाद सुनेंगे ना? देखो फरियाद मैं याद रखूंगा, लेकिन तुम लोग इतने पावरफुल कलाकार नहीं हो। अच्छा। मुझसे बड़े कलाकार नहीं हो। जब मैं लोगों को कितना हंसाता हूँ और क्या क्या करता हूँ, मेरी बातों पे लोग हंसते हैं, लोग मैं मजाक मजाक में क्या क्या कर देता हूँ। मेरे बराबर के कलाकार जब बनोगे तभी इन सब तक कोई हॉल नहीं खुलेगा, कोई थिएटर नहीं खुलेगा, सिर्फ हमारे लिए रंग रैली, हमारी रैली जो है उसके लिए हम लोग बड़े बड़े हॉल में प्रोग्राम कर सकते हैं, रोड पे शो कर सकते हैं, सिर्फ हमारे लिए, क्योंकि हम ताकतवर है, तुम लोग कमजोर लोग। लेकिन नेताजी एक बात बताइए, जब कोरोना आता है तो रैली में क्यों नहीं आता है? हाँ, ये हमारी समस्या है, ये तुम्हारी समस्या नहीं, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा। तुम लोग इतने समझदार होते तो तुम आज यहाँ होते। अच्छा, चलो भागो, जागो जागो जागो, भागो भागो भागो। अभी आया। भागो ना भैया, कोई है और? हाँ, एक और कलाकार आई है नेताजी। नेताजी नेताजी, मैं आपसे एक हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। आपको नहीं पता है कि ये लॉकडाउन ने ना इतनी आपत मचा रखी है ना नेताजी, मैं क्या करूँ, मेरा सारा सोच, मेरा सब पूरा करियर बर्बाद हुआ था नेताजी। प्लीज कृपया करके कुछ तो ऐसा कीजिए जैसे ये लॉकडाउन खुल जाए नेताजी। और आपकी शिकायत मैंने सुन ली देवी जी, आपकी बड़ी सुंदर शिकायत है, बहुत ही सुंदर, और मैं आपके साथ, हमारी पार्टी आपके साथ है, 24 घंटे में आपके साथ में हमारी पार्टी आपको कंपनी देगी, आपको खाली पेट नहीं रहने देगी। लेकिन जहाँ तक नृत्य का मामला है, ये कार्यक्रम नहीं हो सकते, क्योंकि कोरोना का प्रोटोकॉल है, उसको हम तोड़ नहीं सकते। भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल, अब कोरोना काल ही है, तो इसीलिए आपके कार्यक्रम डांस वाले इसलिए भी नहीं हो सकते, क्योंकि कितना ही अच्छा तुम डांस करो, उससे अच्छा डांस नहीं कर पाओगे। मैंने जी अपनी जनता को पिछले 10-15 साल से जो अपने इशारे पर नचाया है, वो चौधरी जी का जो सपना है, इस चौधरी का जो सपना है, वो सपना ही बन के रह जाएगा, कोई इस तरह से नाच नहीं नचा सकता। और पूरे एरिया को मैं एक एक स्टेप सिखा चुका हूँ, जो जैसा है वो वैसे ही फंसा हुआ है, सबको मैंने स्टेप भाई, स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप चाची, सबको स्टेप दे रखे हैं। क्योंकि नेताओं का मानना यह है कि कोई सगा मत बनाओ, सबको सौतेला रखो, तो सब स्टेप 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 बाय स्टेप मेरे साथ में करते रहते हैं। इसीलिए आप अगर मुझसे अच्छा नृत्य कर सकते हैं या लोगों को नचा सकते हैं तो ये दरवाजा खुलेगा, अदरवाइज कोरोना का प्रोटोकॉल है भैया, बंद रहेगा। नेताजी आप जो भी सोचिए, जो भी आप कीजिए, आप कीजिए, बट कीजिए प्लीज नेताजी, मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि देखो हमारे जैसे पता नहीं कितने लोगों के सब कारोबार बंद है नेताजी, और इस तरीके से अगर एक साल लॉकडाउन अगर और रहा तो फिर ये सब क्या करेंगे बेचारे, जिनके पास खाने के लिए नहीं था, जो मतलब जिनके पास कुछ नहीं था वो अपना पेट पाल रहे थे, और इस तरीके से नेताजी अगर लॉकडाउन चलता रहा तो फिर क्या होगा इस संसार में? देश सबसे ऊपर है, देश सबसे ऊपर है, देश जो है वो ऊपर है। आप लोग भूखे मरेंगे तो किसके लिए मरेंगे? देश के लिए मरेंगे, आपका नाम होगा तो मरो, भूखा मरो मगर देश के लिए मरो। धन्यवाद, धन्यवाद देवी जी। मैडम जी, ये नेता है, फोकट में तो भीख भी नहीं देता है। आइए, प्रणाम प्रणाम देवी, आइए आइए, चलिए चलिए नेताजी, नेताजी नेताजी, आइए आइए, धन्यवाद धन्यवाद नेताजी नेताजी। और भी कुछ प्राणी आए हैं और अपनी फरियाद लेकर आए हैं, कुछ दुकानदार लोग हैं, कुछ मार्केट वाले लोग हैं, पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं, रो रहे हैं, बाहर खड़े होके मुंह लटक के यहाँ तक आ गया। बुलाइए बुलाइए, आगे लेके जाना। नेताजी नमस्ते।
अरे वाह भैया, मार्केट के दोस्तों को ले आए हो, मार्केट में छाए हो। नेता जी हमारी दुकान खुलवा दो, लॉकडाउन की वजह से बहुत तकलीफ में आ गए। आपकी फरियाद ये 2-5 से हमने सुन ली है। हाँ। और ये दुकान आपके लिए है लेकिन हमारे लिए मकान है जी। क्या क्या बेचते हो भैया? भैया आप आ जाओ, समझाएंगे। नेता जी ये है ना, ये मार्केट में दुकानें खोलते जो आपने कहा था ना कि एक दिन इधर की बंद रहेगी एक दिन इधर की बंद रहेगी, अब तो दोनों की तरफ बंद हो गई है, मुंह लटक के घुटने तक आ गए हैं। क्या बेचते भैया? गोल्ड प्रॉपर्टी। नहीं 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 नहीं, नहीं। बड़ा नाम मत लो, फिर तो फरियाद सुनाई नहीं देगी आपकी। ये कपड़ा बेचते हैं? ये हाँ भैया ऐसा है, आप कपड़ा बेचते हो, सब्जी भाजी बेचते हो, फिलहाल मत बेचो। देश को इस वक्त लॉकडाउन की जरूरत है, कोरोना काल में सुरक्षा की जरूरत है, ठीक है। और वैसे भी अब आप लोगों की हमारी दुकान भी चल रही है, हम देश के लिए कर रहे हैं। आप ही छोटी मोटी चीजें बेचते और सोचते कि लॉकडाउन खुल जाए। नेता जी सारे व्यापारी रोड पे आ जाएंगे। आने चाहिए, रोड पे आओ, पता चलना चाहिए कि कितने व्यापारी थे। मैं गिनू तो सही, मैंने बहुत ऐसे गिना ही नहीं है क्योंकि मैं व्यापारी को गिनता ही नहीं हूँ। क्यों गिनू, उससे बड़ा व्यापारी कौन हो सकता है। मैंने आप लोग जो छोटी मोटी चीजें बेच रहे हो, ये बताओ बस स्टॉप बेच सकते हो? नहीं। रेलवे स्टेशन बेच सकते हो? नहीं। एयरपोर्ट बेच सकते हो? नहीं। ईमान बेच सकते हो? धर्म बेच सकते हो? नहीं। आत्मा बेच सकते हो? नहीं। तो क्या फायदा, जब तुम मुझसे बड़े बेचू बन जाओगे तब तक यहाँ आना, नहीं तब तक उसके पहले अपनी ये खूबसूरत शक्ल मुझे और जनता को मत दिखाना। लॉकडाउन शाश्वत है, चलता रहेगा। आइए आइए, लहरें आती रहेगी, लहरें आती रहेगी। और कुछ तो ये तो कुछ कुछ भी नहीं देते हैं सर, आप दुआएं कीजिए कि कुछ देना शुरू करें। भाई ऐसा है, सुनो मेरी बात, अब आप लोग सामने आइए तो बता रहा हूं। कोरोना के लहरों की आदत डाल दो, नेताओं के चक्कर में मत पड़ो कि लॉकडाउन खुलेगा दुकान खुलेगी। अभी मैं बोल रहा हूँ एक अंतिम सच बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। आप लोग गार्ड बांध लो, कोरोना मेरी तरफ से और हमारे 80% मीडिया की तरफ से कभी नहीं जाएगा। ये जो थर्ड लहर आई है ये आई नहीं, इसको बुलाया गया है। तो इसलिए कोरोना 1, कोरोना 2 और कोरोना 3 तो आ चुका है, अभी 16 लहरें और आएगी। 16 लहरें कैसे? कितनी लहरें आई है? 3 आई, तीसरी आई है। बीमारी का नाम COVID-19 है। हाँ, मतलब 16 और बाकी है। हाँ, तो भैया ये तो सिर्फ झांकी है, 16 अभी बाकी है। घर पे इंतजार करी तेरी काकी है। भैया प्रणाम करता हूँ। अपना ध्यान रखिए, खाते पीते रहिए, घर में रहिए, घर में रहिए, रहिए मत रहिए, लेकिन जो भी रहिए दरवाजा बंद करके। छोटा सा घर है ये मगर तुम इसको पसंद कर लो, दरवाजा बंद कर लो और अंदर जो चीज आए बंद कर ली बंद करो। यही मैं कहना चाहता हूं क्योंकि भैया कोरोना में अगर तुम नेगेटिव रहोगे तो सेंसिटिव रहोगे। क्या बात है, नेगेटिव रहोगे तो सेंसिटिव रहोगे और कोरोना पॉजिटिव हो जाओगे तो दुनिया में टेंटेटिव रहोगे। वाह वाह नेताजी, नेताजी नेताजी।